चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है पड़ोसी मुल्क इंडिया के और यूरोपियन यूनियन जिस तरह से चाइना को धो रहा है और चाइना रो रहा है चाइना ने बोल दिया की वो जो नई ड्यूटीज यूरोप ने लगाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा चाइना बोल रहा है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तुम होते कौन हो एक्सेप्ट करने वाले यूरोप ने अपने तो हाँ तो शहर से मीठा पहाड़ से ऊंचा और समुंदर से गहरा दोस्त था आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेके कमजोर होती दिखाई दी अगर चाइना जिसपे हम रिलाई करते हैं ब्लाइंडली अगर वो भी इस तरह के इस मकाम हम गए हैं तो लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा प्लेयर है ये हमें हम तो यही सजेस्ट करेंगे अपने हुक्मरानों को कि अपने लोगों को करें और इन... क्योंकि ट्रंप का आने का मतलब है फोकस यूं जाएगा सीधा चाइना पे ट्रंप की उन बिन पे एक ही कंट्री होती है चाइना वो कभी रशिया को थ्रेट नहीं मानता हमारे लिए बहुत अच्छी बात है अब भारत क्या करता है मैं तो इसीलिए कहता हूँ सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है ये हद से चार क्वार्टर चलेगी नहीं चल पाएगी क्योंकि दुनिया जो जियोपॉलिटिक्स इतनी जल्दी चेंज हो रही है अपना बॉर्डर के ऊपर लद्दाख से जो है डिसंगेजमेंट शो करवाई दूसरी जाने अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया दुनिया के अंदर जो अमेरिका की जियो पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही है अमेरिका जिस जियो पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है असलियत में यही इसी के आसपास इंडिया की भी एक पॉलिटिक्स है चाइना का जो ये सारा कबाल जो उन्होंने खड़ा किया है वो ताश के पत्ते की तरह गिरता हुआ मुझे दिखाई देता है ताश के पत्ते का क्यों बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से यूरोप ने टैरिफ लगाए हैं अब जाकर ट्रंप अगर जीत गया तो वो भी इनके ऊपर टैरिफ लगाने वाला है मोदी साहब ने आई थिंक आई मीन दिस इज रियली हिटिंग हार्ड मोदी साहब ने बोला कि आई द डेलिबरेट अटैक अब ये जरा वर्ड जरा थोड़ा ध्यान से देखिए डेलिबरेट अटैक मतलब सोचा समझा माना हुआ

ऊपर से रही कई कसर क्या थी कि चाइना ने बोल दिया हमें छोटे मोटे सामान नहीं बनाने हम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इसी में हम दबदबा बनाएंगे पूरे दुनिया में अब दुनिया को पता लग गया कि चाइना की नज़रें हैं कि पूरी दुनिया की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है उसे कैप्चर करना है चाइना का खुद का कहना है कि वो 50 टू 60 परसेंट पूरे दुनिया की प्रोडक्शन अकेला करना चाहता है इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देनी शुरू कर दी अपनी कंपनीज को मैंने बड़े डिटेल में वीडियो बनाया था कि चाइना कैसे टेक ओवर करता जा रहा है पूरे दुनिया में कहर मचा रहा है और पूरे दुनिया को खत्म करने से ही चाइना बच सकता है अब दुनिया को जब पता लगा कि चाइना का ये प्लान है उन्होंने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगा दिया है टैरिफ अभी तो ट्रंप आया नहीं है ट्रंप के आने के बाद इनके ऊपर कम से कम 60 परसेंट टैक्स वो लगाने वाला है 25 परसेंट से इंक्रीज करने के बाद और यूरोप ने यूरोप ने 35 परसेंट इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर टैक्स लगा दिया यूरोपियन यूनियन जिस तरह से चाइना को धो रहा है और चाइना रो रहा है इसका मतलब क्या है दोस्तों चाइना ने चाइना के ऊपर टैक्स लगा 35 परसेंट का चाइना ने बोल दिया कि वो जो नई ड्यूटीज यूरोप ने लगाई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा चाइना बोल रहा है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तुम होते कौन हो एक्सेप्ट करने वाले यूरोप ने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा दिया तुम भी तो लगाते हो जब खुद टैक्स लगाता है दूसरों के ऊपर जैसे भारत से कोई भी सामान जाना है अलाउड नहीं है जिधर स्टैंड लद्दाख में करती थी तो उधर चाइनीज मिलिट्री ने हाँ, आके किया पे, था हाँ, तो था। फिर उधर सॉर्ट आउट किया था इनके मिलिट्री ऑफिसर्स ने कि हम इस तरह नहीं करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी चीजें टर्म्स ना उस तरह ही थी ठीक हाँ, नहीं हो रही थी लेकिन अब चाइना ने देखा कि अब इंडिया के विदाउट वो चल नहीं सकते तो आपने ट्रेड करनी है अगर उनके साथ तो आपको डेफिनेटली उनके साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे तो इस वजह से अब वो इस साइड आए हैं कि रिलेशन बेटर किए जाए ताकि हम इंडिया में इन हो सकें तो वो definitely उनको रिलेशनशिप ठीक करने के लिए हम कर्ज लेना स्टार्ट कर देते हैं अधर्स कंट्री जितने भी होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं मतलब हम हर एक से मांगते हैं मां, मां, मांगना शुरू कर दिया ना हमारे ये फितरत बन गया है हम जिससे सलाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ जब हाँ। जिधर जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी सामदाद चाहिए हालांकि हमारा जो पाक चीन जो एक मसलसल चल रहा था हमारा प्रोजेक्ट चल रहा हाँ। था वो खत्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा मतलब उसको रोका जा रहा है चाइना भी बार बार हमारे मांगने की आदत से तंग आ गए हैं और दूसरे मुल्क भी तंग आ गए हैं क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमारे पहले बात बाद में होती है हम पहले अपने हाथ को आते हैं हाँ हमें चीजें दे दो हमने ये काम करना है इसलिए चाइना हमसे भी थोड़ा सा रिवर्स हो चुका है इसके बाद अगर चाइना देखा जाए इंडिया देखा जाए रूस देखा जाए उनकी मीटिंग हो गई वो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं करेंसी उनकी बात हो रही है तो इस पर यह होता है

हम तो केस करेंगे आपके ऊपर हम तो एक्सेप्ट नहीं करते आपने कर कैसे दिया बल्कि टैक्स हमने अपने कंट्री में लगाना हो तो भी चाइना से पूछ के लगाना पड़ता है कि हम भाई भाई बाप हम टैक्स लगा दें या ना लगाएं ये हालत है चाइना की यानी कि दादागिरी इतने दिमाग में सर चढ़ कर बोल के जिसका कोई हिसाब नहीं है अब आप देखिए यूरोप ने क्या किया बहुत गहरी मूव यूरोप की हमें भी इफेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में लगाओ कैसे सत्ताईस नेशन का ग्रुप है यूरोप का और उन्होंने बोल दिया कि जो चाइनीज कंपनीज हैं उसकी गाड़ियाँ बहुत ही लो प्राइज हैं और वो एक्सपोर्ट होकर यूरोप में जा रही हैं यूरोप की जो कंपनीज है वो कंपीट नहीं कर पा रही यही सस्ती गाड़ियाँ बना बना कर क्योंकि सब्सिडीज़ हैं चाइना सब्सिडी के नाम पर ज़ीरो पैसे देता है वो बोलता है ये तो टैक्स रिटर्न है यानी कि सब्सिडी दे दिया इन डायरेक्ट वे से और डब्ल्यू का जो सारे रूलिंग है उसको ये बाईपास करता है क्योंकि तो वहां पर अगर आप सब्सिडी देते हैं तो आप सस्ते में माल नहीं बेच सकते बैन लग सकता है तो ये बोलते हैं ये तो टैक्स रिटर्न है और टैक्स रिटर्न भी कितना है चार चार सौ परसेंट बढ़ गया है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है चाइना की उनका इसलिए इनका माल इतना सस्ते में आता है और चाइना ने बोल दिया अभी कि हम डब्ल्यू में जाएंगे लॉ सूट फैल करेंगे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते यूरोप का ये रोल जो हर चीज़ को कॉपी करता है किसी दुनिया के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पर हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते है। हैं जैसे सोस्ट टाइम बुलेटिन जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आपको कई सारे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे टेलीकास्ट सैटरडे लेट नाइट शो जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें